हेलो फूडीज, आई एम शुभ्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी, वर्मीसेली। ये बहुत ही बेहतरीन साउथ इंडियन स्टाइल का ब्रेकफास्ट है जिसे आप खाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो मैं आज आपको इजी वे में बताऊँगी कि कैसे आप हमेशा खिला खिला वर्मीसेली बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। वर्मीसेली बनाने के लिए एक कढ़ाई में लीजिए 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल और इसे गर्म होने दीजिए। बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स और इसे स्प्लटर होने देंगे। अब इसमें ऐड कीजिए 1 टेबल स्पून चना दाल और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून उड़द दाल और इसे हिलाते चलाते हुए गोल्डन फ्राई करेंगे। स्लाइटली गोल्डन फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 to 4 ड्राइड रेड चिलीज। हिलाते चलाते रहेंगे। चना और उड़द दाल को अच्छे से रोस्ट करना है, अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, तो थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। ऐड करेंगे 3 to 4 चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड फ्यू करी लीव्स। थोड़ी देर इसे भी फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप चॉप्ड अनियंस। इसे मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज की सारी लेयर्स सेपरेट हो जाए। शानदार फ्लेवर लाने के लिए इसमें चलिए डालते हैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स कर लेंगे। देखिए ये स्लाइटली ट्रांसलूसेंट हो गया है। इसी वक्त हम वर्मीसेली डाल सकते हैं यदि आपने वर्मीसेली रोस्ट नहीं की है तो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप्स वर्मीसेली जो रोस्टेड नहीं है, प्लेन है। तो इसी वक्त मैं इसमें डाल के इसे भून रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से भून जाए और जो प्याज है एकदम से ट्रांसलूसेंट नहीं था। अब यदि प्याज को इसमें मिक्स करके भूनेंगे तो वर्मीसेली भी बहुत अच्छे से भून जाएगी और प्याज एकदम नरम नहीं पड़ेगा। अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। वैसे तो आप वर्मीसेली को सेपरेट भी भून सकते हैं या फिर रोस्टेड वर्मीसेली भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ही इस तरीके से बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक ही कढ़ाई में बना लेना है। जैसे प्याज डाला उसके बाद आप वर्मीसेली डाल दीजिए और भून लीजिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, हल्का सा भूनना है वर्मीसेली को और ये हल्का लगने लगेगा आपको भूनने के बाद और प्याज भी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी तब तक। इस तरीके से यदि रोस्ट करो वर्मीसेली के साथ तो अनियंस जलते भी नहीं हैं, ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे और वर्मीसेली भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। 1.5 कप्स वर्मीसेली है तो जस्ट उसका डबल 3 कप्स पानी डालना है इसमें। अभी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और हिला चला लेंगे। अभी तक हम इसे हाई हीट पे पका रहे थे, अब हम मीडियम हाई हीट पे इसे रखेंगे और ढक कर पकाएंगे। ओकेजनली आप इसे चेक कर सकते हैं, थोड़ा हिला चला सकते हैं और इसे लगातार ढक कर ही पकाना है। अभी इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पे ढक कर पकाएंगे। अभी इसमें थोड़ा पानी है तो इसे ढककर धीमी आंच पे पकाएंगे। अब 2 से 3 मिनट के बाद आप देखिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है और इसमें पानी भी नहीं है और ये कढ़ाई से लग भी नहीं रहा है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। इस स्टेज पे आप वर्मीसेली को बहुत ही हल्के हाथ से हिलाइए चलाइए ताकि वो टूटे नहीं। अब ये रेडी है तो इसे हम गार्निश कर लेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीफ से। फिर एक बार जेंटली मिक्स कर लेंगे। लीजिए वर्मीसेली तैयार है। अब इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे।
ऐसे खिले खिले वर्मे सेले ब्रेकफास्ट में मिले तो कौन ना खाए, बहुत ही टेस्टी है। ईट एंड एंजॉय। अगर आपको ये वर्मी सेल्ली पसंद आई है तो मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ऐसी ही कुछ मैं इजी और हेल्दी रेसिपी का आइडिया आपके लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।